हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त आपके अपने यूट्यूब बेलटेक चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बॉटलनेक्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पे और शुरू करते हैं अपना स्लाइड शो। फ्रेंड्स, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और शुरू करते हैं अपना स्लाइड शो। चलिए पहले समझते हैं व्हाट इज़ बॉटलनेक। बॉटलनेक क्या होता है? प्रोडक्शन सिस्टम में जब कंजेशन आता है उसे बॉटलनेक कहते हैं। ये यूजुअली तब होता है जब प्रोडक्शन प्रोसेस में क्विकली वर्कलोड आ जाता है। इनएफिशिएंट बॉटलनेक को टिपिकल शेप ऑफ बॉटल से रेफ़र किया गया है। ये बॉटल के शेप से इसलिए रेफ़र किया गया है क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब बॉटम से स्टार्ट करते हैं तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे ही माउथ के पास आते हैं वहाँ पर उसका कंजेंशन आता है, जहाँ की फ्लो में डिस्ट्रक्शन होता है। इस वजह से इसको बॉटलनेक से, बॉटल के गले से रेफ़र किया गया है। बॉटलनेक का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर होता है। इससे टाइम और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। कंपनीज़ में बॉटलनेक यूजुअली न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते टाइम पे फेस होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि प्रोसेस में फ्लॉस होते हैं जो कि कंपनीज़ को आइडेंटिफाई और करेक्ट करना होता है फॉर फाइन ट्यूनिंग ऑफ वर्क। प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए पोटेंशियल बॉटलनेक को फाइंड करके उनके एफिशिएंट सॉल्यूशन सर्च करने के लिए ऑपरेशंस मैनेजमेंट एक कंसर्न डिपार्टमेंट होता है जो कि बॉटलनेक्स और अदर ऑपरेशंस पे वर्कआउट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं। शॉर्ट यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, लिया हुआ हमने गूगल से। यहाँ पर आप देखेंगे पहले रॉ मटेरियल इनपुट हुआ, ग्राइंडिंग को 10 आवर्स लग रहे हैं, पॉलिशिंग को 20 आवर्स लग रहे हैं, और बाकी सभी में आप देखेंगे तो सेम टाइम लग रहा है। मतलब पैकेजिंग और स्टरलाइजिंग दोनों को 30-30 आवर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे ग्राइंडिंग से जब पॉलिशिंग को जाएगा तो वहाँ पे 20 आवर्स लग रहा है। मतलब ये हमारा एक बॉटलनेक है, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रहा है प्रोसेस में, ये हमारा एक बॉटलनेक है। इसके क्या क्या सॉल्यूशंस रहते हैं, क्या सॉल्यूशंस हम इसमें कर सकते हैं, उन सबको हम आगे समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं शॉर्ट टर्म बॉटलनेक और लॉन्ग टर्म बॉटलनेक क्या होते हैं। पहले शॉर्ट टर्म बॉटलनेक समझते हैं। शॉर्ट टर्म बॉटलनेक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स की वजह से क्रिएट होते हैं, जैसे कि मशीन ऑपरेटर का एब्सेंट होना या शिपिंग प्रॉब्लम की वजह से वेंडर से मटेरियल रिसीव नहीं होना। इस टाइप के जो डिलेस होंगे वो शॉर्ट टर्म डिलेस में कंसिडर होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं लॉन्ग टर्म बॉटलनेक क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म बॉटलनेक रिकरिंग इश्यूज़ की वजह से होते हैं। रिकरिंग मतलब जो बार बार जिस टाइप के इश्यूज़ आ रहे हैं उस वजह से जो इश्यूज़ होते हैं वो लॉन्ग टर्म बॉटलनेक कहेंगे, और ये ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस पर काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स से हम समझते हैं। वर्क इंस्ट्रक्शन या एसओपी या ऑडिट प्रोसीजर की वजह से प्रोडक्शन में डिले होना, अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल ट्रैकिंग सिस्टम की वजह से लैक ऑफ ट्रेसेबिलिटी होना, और नो रियल टाइम डाटा अवेलेबल टू आइडेंटिफाई पैटर्न इन प्रोडक्शन। मीन्स प्रोडक्शन का पैटर्न अनआइडेंटिफाई होना, जो कि रियल टाइम डाटा अवेलेबल नहीं होना, जिसकी वजह से प्रोडक्शन का पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं बॉटलनेक एनालिसिस के गोल्स क्या क्या होते हैं। बॉटलनेक एनालिसिस को के पॉइंट्स को हम पीछे समझेंगे, बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पे गोल्स को डिस्कस करते हैं। प्रोडक्शन और मैनेजरियल प्रोसेस में की बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करना, ये बॉटलनेक एनालिसिस के गोल्स हैं। बॉटलनेक एनालिसिस के लिए क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करना, पॉसिबल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करना जिससे कि बॉटलनेक को एड्रेस किया जा सके, पुअर क्वालिटी को मिनिमाइज करना, वर्कर एफिशिएंसी को इनक्रीज करना और डाउन टाइम को रिड्यूस करना, ये गोल्स हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज और लीड टाइम को शॉर्ट करने के लिए बॉटलनेक एनालिसिस किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं बॉटलनेक एनालिसिस में किन किन पॉइंट्स पर फोकस किया जाता है, उनको देखते हैं, जो कि थ्रोपुट एंड थ्रोपुट टाइम, एक्यूमुलेशन, फुल कैपेसिटी और स्लो कम्युनिकेशन। चलिए अब इन पॉइंट्स को समझते हैं। पहले समझते हैं थ्रोपुट एंड थ्रोपुट टाइम। हर एक मशीन पर थ्रोपुट टाइम इंक्रीज होने से ओवरऑल प्रोडक्शन आउटपुट पर बहुत अफेक्ट पड़ता है। एवरेज से ज़्यादा थ्रोपुट टाइम का मतलब ये भी है कि प्रोसेस इंस्पेक्शन और मटेरियल मूवमेंट में डिले हो रहा है, जिससे कि वेटिंग टाइम इंक्रीज होता है। इसके लिए आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि किस स्टेप पर थ्रोपुट टाइम अननेसेसरी लॉन्ग हो रहा है, जिससे कि उसको करेक्ट किया जा सके और थ्रोपुट टाइम को रिड्यूस किया जा सके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमारा एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन तब होता है जब मशीन की हैंडल करने की कैपेसिटी से उस पर ज़्यादा इनपुट डाला जाए, मीन्स इनपुट ज़्यादा हो और उसके हैंडल करने की कैपेसिटी कम है। इन्वेंट्री और वर्क आवर्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं क्योंकि ये दूसरे सारे स्टेप सेम रेट से परफॉर्म नहीं होते हैं। सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का लीड टाइम डिफरेंट होता है, जैसे कि हमने पीछे एक डायग्राम में भी देखा था कि ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और स्टरलाइजिंग सबका टाइम अलग अलग है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं फुल कैपेसिटी।
जो मशीन हाईएस्ट परसेंटेज पर फुल कैपेसिटी से ऑपरेट होगी, इट विल लाइकली बॉटलनेक ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। उस मशीन को स्लोअर लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट वाली मशीन से इजीली कंपेयर किया जाता है। अगर इनपुट की वजह से बॉटलनेक इंक्रीज हो रहा है तो उसे सबसे पहले कैपआउट किया जाता है किया जाना है। चलिए अब देखते हैं स्लो कम्युनिकेशन किस वजह से होता है। मिस कम्युनिकेशन और स्लो कम्युनिकेशन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो स्लो डाउन आता है उसको स्लो कम्युनिकेशन में कंसिडर करेंगे। फॉल्टी कम्युनिकेशन की वजह से लो फिजिकल प्रोडक्टिविटी रेज होती है प्रोडक्शन प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं बॉटलनेक एनालिसिस टूल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ पे दो मेंशन किए हुए हमने। पहला है द फाइव वाइज या फिर बाय वाई एनालिसिस, फाइव वाई एनालिसिस या फिश बोन डाइग्राम। चलिए अब इनको देखते हैं। फाइव ये दोनों इतने बड़े टॉपिक हैं फ्रेंड्स जिन पे हम पूरे के पूरा एक वीडियो बना सकते हैं 10 से 15 मिनट का, लेकिन अभी हम इनके बारे में छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इन पर भी वीडियो बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फाइव वाइज एक रूट कॉज एनालिसिस मेथड है। प्रोडक्शन प्रोसेस में बॉटल नेक को फाइव वाइज से आइडेंटिफाई किया जाता है। इस मेथड से प्रॉब्लम के सोर्स तक पहुँचा जाता है, जिसमें कि जो भी हमारा लास्ट आंसर है उस पर फिर से वाई करना, मीन्स फिर से बाई कंटिन्यू आस्किंग वाई ऑन लास्ट आंसर। जैसे कि मान के चलिए कोई स्टूडेंट है जो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तो हम उससे कंटिन्यूस क्वेश्चन करेंगे, जैसे आप क्यों लेट हुए, उसने कहा कि बस लेट हो गई थी। बस क्यों लेट हुई? क्योंकि मैं घर से जल्दी लेट निकला। घर से लेट क्यों निकले? जैसे क्योंकि मैं सुबह देर से सो के उठा। सुबह देर से सो के क्यों उठे? क्योंकि मैं रात में लेट सोया था। इसका आंसर हुआ कि वो रात में लेट सोया था। ये कंटिन्यूस क्वेश्चन रेज होते जाते हैं और हम उसके अल्टीमेट सोर्स तक पहुँच जाते हैं कि वो सोर्स तक किस वजह से लेट हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब लास्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है फिश बोन डायग्राम। फिश बोन डायग्राम एक विजुअल मेथड है रूट कॉज एनालिसिस के लिए। इसमें प्रॉब्लम्स को फिश के हेड पर लिखा जाता है और उस प्रॉब्लम के मेजर कॉसेस को उसकी ब्रांचेस पर लिखा जाता है, जिससे कि डायग्राम का शेप फिश बोन की तरह दिखता है। इस वजह से इसको फिश बोन डायग्राम कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हमने एक और डायग्राम लिया हुआ है गूगल से, जिसमें कि पहली मशीन की कैपेसिटी है मशीन ए की 20 पीसेस पर आवर, मशीन बी की कैपेसिटी है 5 पीसेस पर आवर और मशीन सी की कैपेसिटी 20 पीसेस पर आवर। तो यहाँ पे बी मशीन जो है वो एक बॉटल नेक क्रिएट कर रही है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो 5 पीसेस पर आवर की है, तो इस पर इनपुट ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि बॉटल नेक्स को अनब्लॉक कैसे करना है, जो हमने पीछे देखे भी थे, जो कि है इनक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉटल नेक स्टेप, या एफिशिएंसी को इनक्रीज़ कर दिया जाए जो भी हमारा बॉटल नेक स्टेप है, या फिर इनपुट को डिक्रीज़ कर दिया जाए। चलिए अब इनको एक एक करके देखते हैं। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑन द ऑफ द बॉटल नेक स्टेप। एफिशिएंसी को इंक्रीज करना जनरली नेचर ऑफ प्रोसेस और अवेलेबल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है, जो कुछ उसके बेसिक आइडियाज़ हैं जिन पर हम बात करते हैं। फर्स्ट हमें यह इंश्योर करना है कि जो भी बॉटल नेक के इनपुट हो वो डिफेक्ट फ्री हो, मतलब उसमें कोई भी क्वालिटी का इशूज़ ना हो, सभी चीज़ें क्लियर हो, जिससे मटेरियल पर टाइम वेस्ट नहीं होगा, मतलब री इंस्पेक्शन पर टाइम वेस्ट नहीं हो और सेम इंस्पेक्शन या फिर सेम टास्क रिपीटेबली ना हो, जिससे कि टाइम वेस्ट हो, एडिशनल पैसा जाए, ये सारी चीज़ों को वेस्ट से रोकना है। मोस्ट स्किल्ड और मोस्ट प्रोडक्टिव टीम मेंबर को बॉटल नेक पर इंगेज करना है, बॉटल नेक पर कैपेसिटी ऐड करने के लिए वेज सर्च करना है, और फाइनली जो लास्ट स्टेप है वो हमें ऑटोमेटिक प्रोसेस का यूज़ करना है, जिससे कि स्पीड ऑफ वर्क को इनक्रीज किया जा सके। चलिए अब सेकेंड देखते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट है अनब्लॉक करने का, जिसमें कि है डिक्रीज इनपुट इनटू द बॉटल नेक स्टेप, मतलब बॉटल नेक स्टेप के इनपुट को डिक्रीज़ करना। वो कैसे होगा? अगर कोई मशीन अल्टीमेट नीड से ज़्यादा आउटपुट दे रही है तो हम उसका इनपुट कम कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट प्रोसेस में बॉटल नेक क्रिएट नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने लास्ट डाइग्राम में देखा था, वहाँ पर मशीन बी जो है वो 20 पीसेस सॉरी मशीन ए जो है वो 20 पीसेस पर आवर कर रही है, मशीन बी जो है वो 5 पीसेस पर आवर कर रही है, और मशीन सी जो है वो 20 पीसेस पर आवर कर रही है। तो जो हमारी मशीन सी है वहाँ पे इनपुट ही नहीं रहेगा जब तक कि मशीन बी हमको कंप्लीट करके नहीं देगी, तो ये वहाँ पे बॉटल नेक क्रिएट हो रहा है, तो इस वजह से इसका इनपुट हम कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द डिज़ाइनर एक्चुअली डिमांड से ज़्यादा क्रिएट करता है, लेकिन वो सब कुछ डेवलपमेंट टीम को पास ऑन कर देता है, जिससे कि डेवलपर्स पर अननेसेसरी स्ट्रेन क्रिएट होता है। लेकिन एक अल्टरनेट ये भी है कि इनपुट को वहाँ रिलोकेट किया जाए जहाँ पर ज़्यादा कैपेसिटी है, मीन्स अगर हम वहाँ पे सोर्सेस मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट कर देते हैं, जैसे मशीन बी सिंगल है, अभी हम उसको डबल ट्रिपल या फोर कर दें, फोर टाइम्स कर दें, तो हमारी मशीन सी जो है मशीन सी है वहाँ पर इजीली वर्कआउट होगा और वहाँ पर बॉटलनेक क्रिएट नहीं होंगे। तो चलिए फ्रेंड
आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।